हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में हॉलीवुड फिल्म अवतार 2 की स्टोरी के बारे में बताने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, अवतार द वे ऑफ वाटर के लिए दर्शक बीते लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे और अब वो इंतज़ार पूरा हो चुका है। बात अगर अवतार 2 की कहानी की करें तो इसकी कहानी बताने में काफ़ी सिंपल है, लेकिन दिखाने में इसका तोड़ नहीं है। वही हम आपको बताते चले तो फिल्म वहीं से शुरू होती है जहाँ से पिछला पार्ट खत्म हुआ था। पेंडोरा अब सुरक्षित है। जैक सुली का परिवार धीरे धीरे बड़ा हो चुका है और अब उसके परिवार में बेटियां और बेटे भी हैं। सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कर्नल क्वारिज किसी तरह से वापस आ गया है और उसे जैक से बदला लेना है। अब क्वारिज बदला ले पाता है या नहीं, जैक अपने परिवार को बचाने के लिए क्या कुछ करता है, जैक की मदद के लिए कौन आगे आते हैं और कौन इस लड़ाई में गुजर जाता है, ऐसे ढेर सारे सवालों के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। वहीं हम आपको बताते चले तो अवतार के पहले पार्ट ने न सिर्फ ढेर सारे अवार्ड जीते थे बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी कई रिकॉर्ड्स बनाए थे। ग्लोबली सबसे अधिक कमाई करने वाले लिस्ट में अवतार का भी नाम शामिल है। अब 12 साल बाद फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज हो रहा है और इसके रिलीज दर्शक में काफ़ी एक्साइटमेंट है। वहीं अच्छी बात तो ये है कि फिल्म देखने के बाद आपकी एक्साइटमेंट पॉजिटिव ही रहती है। फिल्म का तकनीकी पक्ष बेजोड़ है। फिल्म के विजुअल्स और VFX बेहद शानदार है और सीन्स को लार्जर देन लाइफ बनाने का काम करते हैं। पहले पार्ट में जहां जंगल और उससे जुड़े इलाके को दिखाया गया था, तो इस बार अधिकतर खेल पानी में है और ये काफ़ी रोमांचित करता है। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी है और एक और जहां कई सीन्स पर ताली बजते हैं तो कुछ पर हंसते भी हैं और वहीं कुछ सीन्स आपको इमोशनल भी करते हैं। फिल्म की लंबाई करीब 192 मिनट है। करीब 3 घंटे की फिल्म की शुरुआत थोड़ी स्लो है और फिल्म पिच पर आने में वक्त लेती है। ऐसे में अगर फिल्म का शुरुआती हिस्सा थोड़ा सा तेजी से आगे निकलता है तो इंतज़ार लंबा नहीं होता है। वहीं हम आपको बताते चले तो साल 2009 में रिलीज़ हुई जहां अवतार ने विजुअल सिनेमा को एक नए स्तर पर ले जाने का काम किया था, तो वहीं एक बार फिर से जेम्स का जादू चला है। अवतार द वे ऑफ वाटर हाल फिलहाल ग्लोबल सिनेमा को एक नई ऊँचाई पर ले जाती है। फिल्म को देखने से पहले एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि इस फिल्म को कोशिश करें IMAX स्क्रीन पर देखें, वरना कम से कम 3D में तो देखें ही। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इस फिल्म का मैजिक ही खत्म हो जाता है। इस फिल्म को आपको बेशक अपने परिवार के साथ सिनेमा घर में देखना चाहिए। हालांकि हो सकता है कि सिंगल स्क्रीन ऑडियंस और बुजुर्ग लोगों को ये फिल्म कुछ खास पसंद ना आए। फ्रेंड्स, आपने अवतार 2 फिल्म को देखा है या नहीं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर देखा है तो इसकी स्टोरी आपको कैसी लगी वो भी बताइए। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।